हेलो फ्रेंड्स, इट्स मॉर्निंग, टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस और हम IGI एयरपोर्ट से ले के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं हिमालय, टोटल लेंथ इज 2400 किलोमीटर, इट्स अमेजिंग। लगभग हम 35,000 फीट की ऊंचाई पे हैं और जब भी आप दिल्ली से ले जाओ तो राइट साइड बैठो, आप ये सब नज़ारा देखोगे। ये सफ़र लगभग हमने 1 घंटा 20 मिनट में पूरा किया। दिल खुश नज़ारा। नाउ वी आर इन ले। कुशुक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट 10,682 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल, वर्ल्ड 22nd हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट। नमस्कार, ले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ले 11,500 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल। ले मार्केट, मोती मार्केट, यहाँ का व्यू और थुकपा। अभी हम जा रहे हैं अले श्रीनगर रूट से मैग्नेटिक हिल की तरफ। लगभग 30 किलोमीटर की ये दूरी हम आधे घंटे में तय करेंगे और दोपहर का टाइम है। टेम्परेचर इसे अराउंड 7 डिग्री सेल्सियस। तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी हवा, बादल थे और धूप थी। ऊंचाई में धूप ज़्यादा लगती है तो सन प्रोटेक्शन स्किन क्रीम ले जाना ज़रूर। यहाँ के रास्ते कितने स्मूथ, हवा साथ साथ चली जा रही थी। नाउ वी आर इन पत्थर साहिब गुरुद्वारा। थोड़ी सी आगे ही है मैग्नेटिक हिल, जहाँ न्यूट्रल कार अगेंस्ट दी स्लोप चलती है, और वहाँ से कुछ किलोमीटर आगे है दुनिया का सबसे ऊंचा रिवर राफ्टिंग पॉइंट और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, जहाँ पे इंडस और जंस्कर रिवर मिलती है। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, तापमान गिर रहा था, ठंडी हवा काफ़ी लग रही थी, काफ़ी अच्छा व्यू था ये। सेकेंड डे हम जा रहे हैं शांति स्तूपा। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये ले मार्केट से। हमने बाइक रेंट पे लिया है 1200 रुपये पर डे का। अगर आप हिमालय लोगे तो लगभग 1400-1500 रुपये की पड़ेगी आपको, और स्कूटी लोगे तो लगभग 1000 रुपीज़। नौविया इन शांति स्तूपा, एकदम शांत, दिल को सुकून देने वाली जगह। जैसा नाम वैसी जगह, शांति स्तूपा। आप यहाँ ज़रूर आना। देन जोरावर फोर्ट पास में ये शांति स्तूपा के, जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम से ये नाम रखा गया। देन ले पैलेस, ले पैलेस के अंदर का व्यू, और इतनी ऊँचाई पे है कि सांस फूल रही थी। ले पैलेस में एक टाइम गद्दी हुआ करती थी, जब ले जो थी लद्दाख की कैपिटल हुआ करती थी। और ये ले पैलेस से व्यू एकदम नज़ारेदार। और अब हम जा रहे थिक सेमिनिस्ट्री, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है ये ले पैलेस से, और आधे घंटे का रास्ता लगभग। रास्ते का व्यू काफ़ी शानदार, घाटियाँ, वादियाँ, साथ में बहती है धारा, पेड़ों के कलर शेड्स, काफ़ी अच्छा था, दिल को सुकून दे देने वाली जगह। और साथ में बुलेट की आवाज़, कुछ नहीं आता है। हम कुछ टाइम यहाँ पे रुके।
देन हम पहुंच गए तिक्से मोनेस्ट्री। तिक्से मोनेस्ट्री को देखा, कुछ टाइम यहाँ बैठे और फिर हमने छत से नज़ारा देखा पूरा, घाटी वादियाँ एकदम शांत जगह। अगर आपका मन हो तो यहाँ ज़रूर बैठना। थर्ड डे हम जा रहे हैं खरदुंगला, लगभग 40 किलोमीटर की भी दूरी पे है ये लेह से, और दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। नाइस। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं ठंड बढ़ रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, तो आपको पानी पीते रहना है एंड विंड शीटर होना चाहिए आपके पास। एंड साउथ पुल से आगे हम बाइक ले जा नहीं पाए थे, तो वहाँ से हमने लिफ्ट ली और जैसे जैसे ऊपर जाते गए बर्फ़ दिखना शुरू हो गई, हर तरफ बर्फ चलते रास्तों में, बर्फ रास्तों पे भी बर्फ, काफ़ी शांत था ठंडा। देन नाउ वी आर इन खारदुंगला, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैफे, 18,380 फीट टाइप ऑफ फ्रॉम द सी लेवल। उस टाइम हमने यहाँ बिताया, यहाँ का मौसम देखा, महसूस किया। देन हम आगे ले, रात को ले मार्केट एक्सप्लोर किया। रात को ले मार्केट बहुत प्यारी लगती है, तो आप भी यहाँ जरूर आना। देन नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक, लगभग भी 10 बजे का टाइम है, और पेंगोंग लेक 150 किलोमीटर की दूरी पे है ले से। और पहला गाँव आते लुकुंग, ऐसे हिलते डुलते रास्तों का मज़ा लेते हुए और ये सब व्यू देखते हुए हम पहुंच गए चांगला, जो कि 74 किलोमीटर दूर है ले से, लगभग 17,688 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल। कुछ टाइम हमने यहाँ बिताया, यहाँ के कैफेटेरिया में ज़रूर आना। देन हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। हमारे साथ साथ बर्फ़ चली जा रही थी, रास्तों पे बर्फ और ये बादल तो थे ही साथ। कहीं घाटियाँ कहीं वादियाँ के बर्फ ऐसे शांत होके आराम कर रही थी। रास्ते में एक हमें व्यू मिला, काफ़ी शानदार व्यू था। ये जगह, ये आवाज़, बहती धारा और जमा हुआ पानी, बस यहाँ बैठ जाओ इन आवाज़ को सुनो। यहाँ हमने एक्सप्लोर किया, बर्फ तोड़ी और शांति से बैठ गए, लाइक मेडिटेशन। काफ़ी सुकून था इस जगह पे। देन हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पेंगोंग लेक। ये रास्ते, ये पहाड़, ये पथरीली चट्टाने और ये धूप, धूप की तेज किरण, दूर पहाड़ बर्फ से ढके हुए, पत्थर ऐसे रखे होते जैसे कि आराम कर रहे हो, पत्थरों के बीच में से जाता है ये रास्ता। रास्ते में जाते हैं ऐसा लगा जैसे कि हाँ, ये फील है कि हम जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ। कुछ ऐसी जगह थी, होता है ना कि कभी कभी आपकी जर्नी आपकी डेस्टिनेशन होते हैं, तो ये वही पल था। कहीं घास के मैदान, कहीं यक्स की टोली, सब कुछ ही तो थे यहाँ पे। कहीं रेतीली जगह, मानो कि रेगिस्तान चल रहा हो साथ में। और उस रास्ते के साथ चलते हम, ये पहला व्यू जहाँ से पेंगोंग लेक दिखती है। नाउ पेंगोंग लेक हमारे सामने है, जैसे जैसे पास जा रहे हैं दिल की धड़कनें बढ़ रही है। पेंगोंग त्सो, दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील। पानी में कई कलर्स थे, कई शेड्स थे, लगभग 14,000 फीट
above from this 11. It's really amazing. मतलब यू अच्छी बात है कि आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं, लगभग 134 किलोमीटर टोटल लेंथ। पानी ऐसे मोतियों की तरह चमक रहा था, क्रिस्टल क्लियर वाटर। बस महसूस करो इस जगह को, बहते पानी को, इस बतख को जो पानी में ऐसे गोते लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे ये बतख है, ये पेंगोंग लेक है और मैं हूँ। काफ़ी तेज ठंडी हवा चल रही थी, साथ में पानी जमा हुआ था। वहाँ पे कुछ एडवेंचर किया, भाई ने वापस बुला लिया था, नहीं तो मैं आगे चला जाता। कुछ फोटोज़ खींची, महसूस किया उन पलों को, एक जिंदा यादें। ये पानी को जितना देखो उतने ट्रांसपेरेंट, महसूस करते जाओ इस आवाज़ को। कुछ ऐसी जगह थी ये, मैं वहाँ बैठा रहा और बहते पानी को देखता रहा। तो ये थी मेरी जर्नी, थैंक यू।